खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी व गैंग के सदस्य इजाज उल हक अंसारी की 8 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस अधीक्षक कुमवीर सिंह ने बताया कि आईएस 191 गैंग सरगना मुख्तार अंसारी और उनके करीबी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें मुख्तार अंसारी द्वारा अपनी माता राबिया खातून उर्फ राबिया बेगम के नाम से मोहल्ला डालीबाग तिलक मार्ग निकट बांध एक्सटेंशन बोर्ड राजा राममोहन राय जनपद लखनऊ स्थित भूखंड संख्या 93 का भाग, जिसका रकबा 386.1524 वर्ग मीटर है और जिसकी वर्तमान कीमत 4.50 करोड़ रुपए को कुर्क किया गया। साथ ही मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य एजाज उर्फ एजाज उल हक अंसारी द्वारा अपनी पत्नी फहमीदा अंसारी के नाम से मोहल्ला डालीबाग 0263 तिलक मार्ग राजा राममोहन राय वार्ड जनपद लखनऊ स्थित भूखंड संख्या 13/4 एक भूखंड रकबा 231.04 वर्ग मीटर भू संपत्ति क्रय की गई है, जिसकी वर्तमान कीमत 3.50 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर 8 करोड़ रुपए की दो अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। सर आईएस 191 गैंग के सदस्य मुख्तार अंसारी की संपत्ति सर लखनऊ में कुर्क की गई है, सर क्या है सर पूरा मामला? जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की तफ्तीश के दौरान धारा 14 के अंतर्गत कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी की द्वारा अवैध स्रोतों से जो कमाई की गई है, उसमें कुछ संपत्तियां जो इसके द्वारा अपने परिजनों के नाम से व गैंग मेंबर्स के परिजनों के नाम से अर्जित की गई थी, उसी में दो संपत्तियां आज लखनऊ के डालीबाग इलाके में चिन्हित की गई थी, जिनमें जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश से आज उन दोनों संपत्तियों का लखनऊ प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से आज उन्हें कुर्क किया गया है। उनमें से एक संपत्ति इनके द्वारा अपनी मां के नाम और एक इन्हीं का एक गैंग मेंबर है उसकी पत्नी के नाम अर्जित की गई थी। दोनों यह तय हो गया था कि अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से ही बनाई गई थी, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 8 करोड़ रुपए है। अन्य इस तरह की अवैध संपत्तियों की भी जांच अभी गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही है, अगर उनकी भी जानकारी होती है तो उन्हें भी कुर्क किया जाएगा।